हाय गाइस, देख सकते हैं कि आज का हमारा टेस्ट जो हमारे स्टूडेंट लोग ने आज बहुत ही खूबसूरत टेस्ट बनाकर दिया है। चलो देखते हैं इसमें इन लोगों के कितने मार्क्स आते हैं। ये इन्हें टेस्ट मिला हुआ था पेटीकोट पर कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि सैंपल के टाइप में इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए, ये है हमारे शिंपू जी का। शिंपू जी, आपने सिलाई जो किया है बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको? ये इस तरह से निकल रहा है क्योंकि आपने इसको फोल्ड नहीं किया है, थोड़ा सा कपड़ा। जी हाँ, तो उसके आपके मार्क्स जो है कट होंगे। ठीक है, सिलाई हमने बोला था साफ होनी चाहिए, जो ये आपकी जो फोल्ड होनी चाहिए, इस तरह से धागा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट था कटिंग एंड स्टिचिंग को लेकर, जिसमें से आपको 18 मिलेंगे। ओके, और आगे के लिए बेटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है अंजलि जी। आपने भी यहाँ पर एक मिस्टेक किया है ये वाला, तो वो आप ध्यान से करिएगा। जी, मिस्टेक ध्यान से नहीं, गलतियाँ सुधारनी है। नेक्स्ट ये हमारी प्रीति जी का है। प्रीति जी, आपने कुछ ज़्यादा ही चौड़ा जो है पेटीकोट तैयार कर दिया है, बाकी आपकी जो है स्टिचिंग क्लियर है, लेकिन जो पेटीकोट जो स्टिचिंग है वो कुछ ज़्यादा ही, जो कपड़ा का चौड़ाई है ज़्यादा ले लिए हैं आप। ओके, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको सबको समझ आ गया होगा पेटीकोट कटिंग एंड स्टिचिंग। नेक्स्ट ये हमारी है सोनी जी। सोनी जी ने तो इसको पूरा का पूरा स्कर्ट ही बना दिया है। कटिंग अच्छा किया है, स्टिचिंग भी ठीक है आपका। आपने जो मिस्टेक किया है ये, और साथ में ये जो यहाँ से धागा निकल रहा है, जब भी सिलाई करते हैं तो उसको डबल फोल्ड करके सिलाई करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। सो आपके भी नंबर जो हैं सिंपी के साथ ही हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट? किसी को लग रहा है कि मेरा कम नंबर आ गया?